कभी खुशबू कभी झोंक कभी हवा सा लगे, जुदा होकर भी तू मुझसे जुड़ा जुड़ा सा लगे। अरे अच्छा हुआ तू आ गई, चल जल्दी से कपड़े बदल और रोटी डाल, सुल्तान आता ही होगा। अम्मा अभी तो आई हूँ कॉलेज से, घड़ी दो घड़ी आराम कर लूँ, बाद में डाल दूंगी। अरे बाद में क्या डालेगी, जानती नहीं अपने भाई को, आते ही उधम बचा देगा। उधम ही तो बचाता है तेरा बेटा, इसके सिवा उसको काम क्या है, एक दिन देर से खाएगा तो मर नहीं जाएगा, कोई कयामत नहीं आ जाएगी। अरे पागल हो गई है क्या, अच्छा जा दफा हो, मैं खुद ही डाल लूंगी रोटी, मुझे घर के बर्तन नहीं तोड़वाने। इंसान की बच्ची बन जा। क्या हो भाई, देखती नहीं मैं खाना खा रहा हूँ, धूल उड़ाती है। मतलब भाई मैं तो इधर हूँ, धूल तुम्हारे खाने में थोड़ी आ रही है। बताता हूँ तुझे। अरे, 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 अरे क्या हो गया, छोड़ दे बेवकूफ है, चल रही यहाँ तक, मैं खुद दे दूंगी झाड़ू। पढ़ी लिखी जाहिल। अरे क्या हो गया तुझे, खाना खा। तू भी माँ बस क्यों पढ़ा रही है इसे इतना, घरदारी सिखा, उठने बैठने की तमीज सिखा, वरना हाथ पांव तोड़ दूंगा इसके मैं। बेटा मैं तो इसलिए पढ़ा लिखा रही हूँ कि कल को इसे दूसरे घर जाना है। पढ़ चुकी बस, गप्पे मारती है लड़कियों के साथ, मैंने कह दिया ये इसका आखिरी साल है, इसके बाद बस बंद। जा कहाँ रहा है सुल्तान, अरे बेटा खाना तो खा ले। अरे बात तो सुन। चल भाई लोरो चाय ले आ यार फटाफट। दो चार खाली कर दिया अभी। क्या भाई ये सुल्तान भाई नजर नहीं आ रहा आजकल, आने वाले को। ओ हाँ वही सुल्तान भाई, वह कहाँ सहरे हो रही हैं? बा मैंने कहाँ जाना है यार, फार्म हाउस गया था। क्यों, कोई खास बात थी? छोटे साई ने बुलाया था, इलेक्शन होने वाले हैं ना। अच्छा तो फिर छोटे साई इस दफा शहर से इलेक्शन लड़ेंगे और हमें उनके लिए काम करना है। कि छोटे साई ने अब शहर का रुख कर लिया है। गाँव हो या देहात, हुकूमत तो उन्हीं की होती है ना, देख लेना 3 सीटें पक्की हैं उनकी इधर, और हमें उनके हलकों पर नजर रखनी है। वो तो ठीक है सुल्तान भाई, मगर ये बताओ कि कुछ अपने घर पर भी नजर है या नहीं।
क्या मतलब है बे तेरा? कहना क्या चाहता है तू? अबे भाई इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है यार, मैं तो तेरे से सिर्फ ये पूछ रहा था कि तूने छोटे साईं से को खर्चे पानी की भी बात की है नहीं। अबे इतना बेवकूफ समझता है मुझे क्या? वैसे भी छोटे साईं का दिल तो बड़े साईं से भी बड़ा है। क्या तो ये ठीक रहा। भाई चाय लिया, भाई चाय लिया। पागल हो गई है क्या है? भाई ने तेरा डांट दिया तो क्या हुआ? लो, रोए जा रही है खामखा। देख बेटा, आंसुओं में ना नसीब बह जाता है। नसीब तो है ही नहीं अम्मा, क्या सारे भाई ऐसे होते हैं? सुल्तान का कसूर नहीं है बेटा, बचपन में मैंने तो बहुत कोशिश की कि पढ़ लिख ले। अगर पढ़ लिख लिया होता तो ऐसा ना होता। लेकिन अपने बाप को देखो, बचपन में ही उसे चूड़ियों के कारखाने पे बिठा दिया, कहते थे कमाओ पूत बनेगा। बहुत मासूम था तेरा भाई, मगर मगर क्या अम्मा? मगर अम्मा अब मुझे उससे डर लगता है, ऐसा लगता है वो मेरा भाई नहीं कोई कसाई हो, बेरहम कसाई। याद है अम्मा उस दिन कितनी जोर से उसने मुझे गिराया था? घबराने की कोई जरूरत नहीं, अब काले सरवाली आएगी ना इस घर में, खुद उसे ठीक कर। काले सरवाली, अब तो मुझे बेचारी उस पर तरस आता है, क्या होगा किरण का उसके साथ? अच्छा छोड़ इन बातों को, चल तूने सुबह से कुछ खाया नहीं है, मैं तेरे लिए खाने पीने का कुछ लेके आ रही हूँ, ठीक है? अच्छा आंसू पोछ जल्दी से। शाबाश शाबाश। बताती हूँ, अम्मा बता रही थी कि ईद के चांद तेरी रुखसती हो जाएगी। झूठी, मुझे तो ऐसी कोई बात नहीं पता चली। लो क्या अब तुमसे पूछ के ये सब कुछ होगा? वैसे भी इस बारे में लड़कियों से नहीं पूछा जाता। अच्छा जी, तो रिश्ता लगाने से पहले तुमने मुझसे क्यों पूछा था? ऐवें तुम्हारा छोटा सा दिल रखने के लिए। ज़किया एक बात पूछूं? हाँ पूछो। जब मैं इस घर में रुखसत होकर आ जाऊंगी तो क्या तब भी हम दोनों की दोस्ती इसी तरह रहेगी? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि तुम बदल तो नहीं जाओगी? खैर इसका फैसला बाद में करेंगे। बाद में करेंगे? क्या मतलब? मतलब क्या है तुम्हारा, साफ साफ बताओ मुझे। मतलब बिल्कुल साफ है, अगर तुम भाई के रंग में रंग गई तो फिर जरा मुश्किल है। तुम्हें तो पता है कि मेरा भाई तुम्हारा भाई जंगली है। जंगली? क्या 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 क्या, तुमने मेरे भाई को जंगली कहा? तो और क्या कहूँ, हर वक्त अंधे भैंसे की तरह फूफू करता रहता है। मजाल है जो दो लफ्ज मोहब्बत के भी बोल दे। खैर मुझे भी भाई से यही शिकायत है, पर अम्मा का कहना है काले सरवाली आएगी तो उसका पूरा गुस्सा खत्म हो जाएगा। खुदा करे ऐसा ही हो, ये ना हो कि काले सरवाली का नसीब ही काला हो जाए। ओए पागल, इस तरह नहीं कहते। चल अब ये तू बर्तन दो, मैं एक चाय की प्याली बना कर आती हूँ तेरे लिए। भाईजन ये सिलसिला कब तक रहेगा? कौन सा सिलसिला? पराई लड़की को देखने का सिलसिला।
पराई लड़की नहीं है वो। तुझसे पहले भी कह चुका हूँ मैं कि मैं उससे प्यार करता हूँ। ओहो, बड़ी खदमतें हो रही अम्मा की। जाहिर है, आखिर मुझे ही तो सब कुछ करना है। तुम्हें कौन सी सारी जिंदगी इस घर में गुजारनी है? देखा अम्मा, अभी ठीक तरीके घर में आई नहीं और मुझे भगाने की बातें शुरू कर दी इसने। अरे बेटा, ठीक ही तो कह रही है। ये इस घर में आएगी तो तुझे भी तो इस घर से जाना है। अम्मा, तुम तो ऐसी बातें ना किया करो। क्या मैं तुम्हें भी इस घर में बुरी लगने लगी हूँ? नहीं बेटा, जब बेटियां जवान हो जाती है ना तो माँ बाप को बुरी नहीं लगती बल्कि दूसरे लोगों को भी बुरी लगने लगती है। जिब्रान, ये प्यार मोहब्बत के मामले में ना वन वे ट्रैफिक नहीं चलता। जब तक लड़की अपनी ना हो वो पराई होती है। समझे बात? समझ में ही तो नहीं आ रही। सच साहब, अगर उसे सुबह में नहीं देखता तो सारा दिन खराब हो जाता, अगर शाम में नहीं देखता तो सारी रात बेसुकून होती। तू तो गया काम से। एक बात बता दे, सिर्फ देख देख के काम चलाना है या बात आगे बढ़ाएगा? मालूम नहीं यार, बात तो करके देख ले। देख साबिर, लड़कियों के कुछ आइडियल्स होते हैं और अगर मैं उसका आइडियल ना हुआ तो तुझे नहीं पता मुझ पर क्या करना। सीरियसली, तुमने प्यार नहीं किया। बस बस अम्मा, तुम्हें तो पता है मुझे ये बातें बहुत बुरी लगती हैं, फिर भी तुम वही बातें शुरू कर देती हो। जरूर ये किरण की बच्ची ने दिन भर भरा होगा तुम्हें। खुद से तो घर में टिका नहीं जाता, आ जाती है मेरे घर में आग लगाने। क्या कहा? मुझसे टिका नहीं जाता है? जी, मैं आग लगाने आ जाती हूँ? जी। देखा खाला, देखा कैसे जबान चल रही है इस लड़की की। है जा, अभी बताती हूँ। क्या कर रहा है बेदर? तेरे बड़े चक्कर लग रहे हैं आजकल इन गलियों के। तुम कौन हो भाई? तुमसे मतलब? हम? अबे हम खुदाई फौजदार हैं। बताऊं तुझे मैं किसको ढूंढ रहा है यहाँ पे? वो मैं यहाँ वो दोस्त का घर ढूंढ रहा हूँ। दोस्त का घर ढूंढ रहा है? क्या नाम है तेरे दोस्त का? साबिर। साबिर नाम? इधर वो देख रहा है वो होटल, वो उस पर बुड्ढा काम कर रहा है। इस पूरे इलाके में वही एक साबिर है, वो तो तेरा दोस्त हो नहीं सकता उस्ताद। असल मामला बता, असल मामला क्या है? तू चक्कर लगा रहा है इन गलियों के? ये शरीफों का मोहल्ला है यार, तेरी हेरा फेरी नहीं चलेगी। बदतमीज हो भाई तुम। अबे ओ, सिखाऊं तुझे तमीज? निकल चल, निकल यहाँ से। हटो हटो हटो। और बात सुन, आइंदा इस गली में नहीं आई हो, और अगर आए ना तो पता जेब में रख के आई हो पहलवान अपना। चल शाबाश, निकल। साबिर का पता ढूंढना है। यार साबिर, ये क्या बदतमीजी, तुम दरवाजा आहिस्ता से खटखटा नहीं सकते? अगर मैं आहिस्ता दरवाजा बंद करता ना तो आप उनके तसव्वुरात से बाहर नहीं आते मेरे भाई। मैं कोई उसके तसव्वुरात में नहीं था। देखो साबिर, तुम पिट जाओगे मुझसे।
इसका मतलब है तुम कच्चे आशिक हो। अरे भाई जो इश्क करता है पढ़ाई वढ़ाई उसके बस की बात नहीं। वैसे जिब्रान लगता है तेरा भूत उतर गया, एक ही तड़ी में काम हो गया तेरा। ये बात नहीं है साहब। तू साफ साफ क्यों नहीं कहता कि तू डरता है? हाँ मैं डर गया हूं, उसकी बदनामी से डर गया। ये मजाक करने का कोई नई तरीका? अच्छा मजाक करने के भी तरीके होते हैं, और ये जो आपके सर पे इश्क का भूत सवार है वो नाम मालूम नहीं है, बात कभी की नहीं है, चले हैं इश्क करने मियाँ। ये मेरा जाती मामला है साहब, और वैसे भी ये बातें तुम नहीं समझोगे। हाँ जिब्रान मैं यही सोच रहा हूँ कि तुम्हारे इस मामले का क्या होगा। क्या मतलब? मतलब ये देख भाई, जब किसी को याद करते हैं ना तो उसका नाम मालूम होना चाहिए, जिसे आप सोचेंगे अपने जहन में। आपको मालूम है उसका नाम? नहीं, बैठे हैं आप उसे सोच रहे हैं। निकल गया तो निकल गया, अब क्या वो तेरा इंतजार करती रहती? सुबह कॉलेज में काम दिखाना था उसे। कहाँ गई थी तू? भाई यही तेरी दुकान पर गई थी। यही वक्त मिला था तुझे? और चादर दुपट्टे में ही चली गई? शर्म और गैरत मरती जा रही है तेरी। गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मेरे साथ ही तो गई थी। तुम चुप रहो, तुम्हारा कोई बीच नहीं है। करीबी में तो दुकान है। जुबान चलाती है? सुल्तान क्या? खबरदार जो तू अब दरवाजे के बाहर निकली, कॉलेजों में पढ़ पढ़ कर बेगैरत होती जा रही है। सिर्फ तेरी वजह से, तेरी वजह से मुझे नजर झुका कर चलना पड़ता है, सिर्फ तेरी वजह से।
यार देख, अगर वो कॉलेज नहीं गई तो यकीनन वो बीमार होगी। यार कोई और वजह भी तो हो सकती है, घरवालों ने शायद बदनाम कर दिया। यार अगर वो बीमार है तो घर से निकलने की कोई सूरत नहीं होगी, तो यहाँ अगर वक्त जाया करने की क्या जरूरत है। यार तुम चुप तो करो यार। जवानी चढ़ गई है तुझे। देखो उस दिन भी तुम्हारे इस बंदे ने मेरे साथ बदतमीजी की। ओए तमीज गई फाड़ दे, तेरी मां रहती है इस गली में जो पीने के चक्कर लगा रहा है। तमीज से बात करो, तमीज की ऐसी तैसी टांगे तोड़ दूंगा। सुल्तान है मेरा नाम, सुल्तान भाई। आपको बात 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 आपको गलत फहमी हुई है, हम मेडिकल के स्टूडेंट हैं, यहाँ मेडिकल कैंप लगाना है। अबे सुल्तान ये झूठ बोल रहा है, ये टोपी उस दिन भी आया था लड़किया बहन के पीछे, मैंने उसको मना भी किया, टोका भी था साला, फिर भी आ गया। तो प्यार करता हूँ, तू करता है पूछने वाला, तेरी तो करता है तो, ये भाई है उसका। अरे बात तो रहा है, देख चलो चलो लड़का चलो निकल के चलो 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 आग लगा दूंगा तेरे घर को। कभी खुशबू कभी झोंका कभी
हवा सा लगे, जुदा होकर भी तू मुझसे जुड़ा जुड़ा सा लगे। बस यही सोच के रातों को मैं नहीं सोता, नींद आई तो तेरा ख्वाब चला। अब यूं तेरा जाना बुरा बुरा सा लगे, जुदा होकर भी तू मुझसे जुड़ा जुड़ा सा लगे। कभी खुशबू कभी झोंका कभी हवा सा लगे। कोई दस्तक कोई आह कोई आवाज नहीं, तू दबे पांव ख्यालों में चला। आज भी मुझ में जिंदा जिंदा सा लगे, जुदा होकर भी तू मुझसे जुड़ा जुड़ा सा लगे। कभी खुशबू कभी झोंका कभी हवा सा लगे। वैसे ये कब तक चलेगा? तुझे पता है अगले महीने एग्जाम्स की डेट आ गई। हाँ पता है यार। वैसे तुझे क्या लगता है? बदमाश उसका भाई हो सकता है? यार अगर वो उनके भाई ना होते तो तुम्हारी मेरा मतलब है भाभी का नाम कैसे पता चलता? तुझे नहीं पता, ये निचले तबके के लोग सिर्फ हीरो बनने के लिए किसी भी लड़की के भाई बन जाते।
हाँ, इस वाकई से एक फायदा तो हो गया, कम से कम मुझे उसका नाम पता चल गया। सकिया। हाँ, और चले थे इश्क करने। वैसे तुम्हारा तो फायदा हो गया, मगर हो सकता है कि उस बेचारी की कमबख्ती आ गई। क्या मतलब? मतलब ये कि साईं जैसे आदमी से कुछ बाई नहीं। साईं का वो खास बंदा, वडेरों वाली कुछ आदतें तो होंगी उसमें। मैं अभी नहीं समझा। मुमकिन है उस बेचारी पर अब सख्ती शुरू हो जाए, घर से निकलना खत्म हो जाए, कॉलेज में पढ़ाई पर पाबंदी लग जाए। इस निचले तबके के लोगों का मुझे कुछ अंदाजा है, ये लोग अपनी बहनों और बीवियों पर बहुत जुल्म ढाते हैं। एकदम खोखली हो गई। तुझे पता है अम्मा, दरख्त को जड़ से अलग कर दिया जाए तो क्या होता है? वो मर जाता है। मैं भी तो एक दरख्त हूँ ना। कॉलेज, पढ़ाई, रोशनी, इन सब चीजों के बगैर मैं भी अम्मा मर जाऊँ। इस तरह नहीं बोलते। इधर इधर बैठ। कॉलेज ज़किया ठीक ही तो कह रही है, सुल्तान तो बिल्कुल पागल है पागल। भला कोई बहनों को भी घर में इस तरह कैद करके रखता है? मैं क्या कर सकती हूँ? पता नहीं लड़कियाँ ऐसा बुरा नसीब लेके क्यों पैदा होती हैं। आप सब कुछ कर सकती हैं खाला जान, सब कुछ कर सकती हैं। वो बहन पर तो जुल्म कर सकता है, लेकिन आपको तो कुछ नहीं कह सकता ना, आपकी तो इज्जत करता है। इज्जत? वो जाहिल क्या जाने इज्जत क्या चीज होती है। खाला जान, वो आज शमसा माइयां बैठ रही है, अगर आप कहें तो मैं ज़किया को अपने नहीं। ज़किया को मत ले जाना। देखो, सुल्तान ने मना किया है कि अगर इसने कदम भी घर से बाहर निकाला ना तो वो इसकी टांगे तोड़ देगा। अरे तोड़ देगा इसकी टांगे। तो खाला जान, आप कह देना कि आपने इसे भेजा है मेरे साथ, देखना वो चुप रहेगा, कुछ नहीं कहेगा। ज़किया, तुम तैयार है ना? मैं मगरिब के बाद तुम्हें लेने आ जाऊंगी, ठीक है? अच्छा खाला जान। जरूरत क्या थी भेजने की? और वो गई क्यों मुझसे पूछे बगैर?
उसे मेरा कोई डर नहीं था। डर? कैसा डर? क्या किया है उसने? हाँ, तुम तो उसी की साइड लोगी ना, चहीती है ना वो तुम्हारी। देख लेना, एक दिन कालक मल लेगी मुंह पर और तुम कुछ नहीं कर सकोगी, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। कालक? अरे कालक तो मेरे मुंह पे उस दिन मल दी गई थी जिस दिन तू मेरे घर पैदा हुआ था। अंधेरों ने मेरे घर में डेरा डाल दिया था, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही थी। माँ, ये तुम क्या कह रही हो? खबरदार, खबरदार जो तूने मुझे माँ कहा है, नहीं हूँ मैं तेरी माँ। मैंने भेजा है, भेजा है मैंने, बेटी है मेरी वो। क्या बिगाड़ेगा तू, क्या बिगाड़ेगा मेरा? मारेगा मुझे? मार, मेरे मुंह पे थप्पड़ मार, नोच ले मेरे बाल बेगैरत। मैं तो मोहल्ले में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही हूँ। अरे माए, तुम बेटों की खबर ना दे, तू कैसा बेटा मेरे घर में पैदा हो गया। यार अच्छा वो उसने हमें देखा नहीं। तुम होश में तो हो? वो टिकटिकी बांधकर हमारी तरफ देख रहा था। नहीं यार, अपने दोस्त से बात कर रहा था। जिब्रान, वो हमारी तरफ देख रहा था। जाना बेकार गया यार। जाहिरी बात है, वो आधी रात को घर से बाहर क्यों निकलेगी? साबिर, मुझे लग रहा है यार उसकी पढ़ाई बंद करा दी है। और अगर पढ़ाई बंद हुई है ना उसकी, तो इसमें सारा कसूर तुम्हारा है। तुम ठीक कह रहे हो यार, उस बेचारी को तो ये पता भी नहीं होगा कि उस पर ये जो कयामत टूटी है उसकी वजह सिर्फ मैं। वैसे यार, उसके कॉलेज की किसी सहेली से बात करनी पड़ेगी। यार कहीं बात ना बढ़ जाए। जिब्रान, इससे ज्यादा क्या बात बढ़ेगी? हाँ, देख यार सुल्तान भाई, बात यह है यार, तू अपना भाई है और भाइयों की और दोस्तों की इज्जत सांझी होती है। अबे बाबू, बोलना, क्या कहना चाह रहा तू? यार वो अभी अपनी बहन है ना, वो उस गली में गई थी थोड़ी देर पहले, और उसी गली में से वो दोनों लौंडे मोटरसाइकिल पे निकल के उधर की तरफ भागे। देख सुल्तान, अगर कबूतर के पर काट दिए जाए ना, तो वो खुदक तो सकता है, उड़ नहीं सकता। वो तू जानता है ना क्या कह रहा है तू? मैं उन दोनों लौंडों को उड़ाना तू? ओ भाई, ओ भाई, खुदा के वास्ते, हर वक्त तू उड़ाने की बातें करता रहता है, उड़ाने के अलावा तुझे कोई काम नहीं आता। देख वो स्टूडेंट है, पूरे शहर को आग लग जाएगी और इलेक्शन सर पे है। उड़ा दू, उड़ा दू, उड़ा दू, बात ही नहीं सूझती इसको। अबे समझाता नहीं है इसे तू? आया सुल्तान बाबू ठीक कह रहा है। तौबा है, कितनी मुश्किल लड़की हो तुम ज़किया। बताओ मैं कौन सी चूड़ियां लोगी? किरण, तुम अपने लिए ले लो भाई, ज़किया नहीं जाएगी शादी में। वो सुल्तान वैसे ही बहुत नाराज हो रहा था। अब छोड़ो भी खाला, कल शादी है और तुम्हें पता भी है कि सुल्तान हर जुमेरात को साईं के पास जाता है। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी।
तुझे लेना है तू ले ले, इतना मत डरा करो, सुल्तान जुमे को वापस आएगा। फिर एक गली की तो बात है, पिछली गली में तो शादी है, हम जाएंगे और सुल्तान को पता भी नहीं चलेगा। समझाओ ना खाला इसे। ले लो जकिया, ये सही कह रही है, सुल्तान तो वैसे भी नहीं होता जुमेरात को घर पे, साई के पास जाता। चलो ले लो। अल्लाह, इस उम्र में भी आप कितनी अच्छी लगती हैं। अरे चल झूठी, हाँ मखा बना रही है मुझे, इसे तो जाके देख, नहाई अभी तक या गुसलखाने में ही बैठी हुई? अभी तक गुसलखाने में है वो, वैसे भी इतनी देर हो रही है खाला, मुझे तो लग रहा है बारात आ चुकी होगी। अरे चलते हैं चलते हैं, सब्र कर खाला, सच्ची बहुत देर हो रही है, अभी तो महारानी आकर तैयार होंगी। ऐसा करते हैं आप मुझे छोड़ें, फिर बाद में ज़किया को ले जाइएगा आके। हाँ हाँ अम्मा, पहले इसे जाके छोड़ा वहाँ, दूल्हा तो इसी का इंतजार कर रहा होगा ना। बताती हूँ अभी। तुम खुद चली जाना भाई, एक गली का तो फासला है। खाला मुझे आपके साथ जाना है, चले ना मेरे साथ, इसको ले जाएगा ना बाद में। ले जाए इसे। अच्छा चल ठीक है, तू तैयार हो जा, मैं इसे छोड़ के। ठीक है अम्मा। जिब्रान बहुत देर हो गई यार, बारात भी आ गई है अब तो। हो सकता है उन्होंने प्लान चेंज कर दिया, हो सकता है वो पहले ही जा चुकी हो, वो तो कुछ भी सकता है यार। लेकिन साबिर आज मैं उसे देखे बगैर घर नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे सारी रात यहीं बैठे रहना पड़े। ज़किया कहाँ है? पता नहीं यार, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा। जिब्रान हम यहाँ कब तक बैठे रहेंगे? पता नहीं। और अगर वो सारी रात घर से ना निकली तो क्या होगा? अच्छा तुम छोड़ो इन बातों को, जाओ मेरे लिए जाकर सिगरेट लेकर आओ, जाओ। जो हुक्म बॉस। Thank you.
कभी खुशबू कभी झोंका कभी हवा सा लगे। ये ना बॉस। यार साबिर गड़बड़ हो गई यार। गड़बड़ कैसी गड़बड़? यार उसका भाई वापस आ गया यार। आज तो जुमेरात है, वो तो कल आएगा। मैंने उसे जाते हुए खुद देखा है यार। यहाँ से निकलते हैं यहाँ से। निकलते हैं। Thank you.
किसने किया है इसका यह अशर? डॉक्टर साहब, ये ठीक तो हो जाएगी ना? शदीद शौक की कैफियत में है, ये गहरा सदमा पहुंचा है। किसने किया है ये हशर? बहुत अच्छा काम किया है ना तुमने। सुन, तुम इंसान नहीं भेड़िए हो, भेड़िए। अरे भाई तो बहन को हथेली का छाला बना के रखते हैं, लेकिन तुमने उस मासूम को जिंदा दर गोर कर दिया। अपनी जुबान बंद रख, वैसी काबिल थी। मैं फौरी तौर पे सुकून की दवाएं लिख रही हूँ और इसमें पेन किलर भी है। वैसे ये पुलिस केस भी हो सकता है। ऐसा न कहे डॉक्टर साहब, ऐसा न कहे। मेरी बेटी बदनाम हो जाएगी, बदनाम हो जाएगी मेरी बेटी। बदनाम हो जाएगी? क्या हशर कर दिया है आपने इसका? खुदा के लिए रहम कीजिए। देखिए मेरी बेटी न खाती है, न पीती है, न बोलती है, न हंसती है। खुदा के लिए इसे बचा लीजिए डॉक्टर साहब, इसे बचा लीजिए, इसे बचा लीजिए। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, आपकी बेटी को इंसाफ जरूर मिलेगा। हम प्रेस क्लब के सामने जाके मुजाहरा करेंगे, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जकिया को उसका हक दिला के रहेंगे। और इसका इलाज, इसका इलाज कौन कराएगा? आपको पता है बिल्कुल पागल हो गई है, बिल्कुल पागल हो चुकी है। हाँ तो वो भी हम कराएंगे, पहले इस दुनिया को पता तो चले कि आज की औरत किस तरह पिस रही है। अब आप नहीं करें। बस करें आप लोग, बस भी करें। कोई फायदा नहीं है इस ड्रामेबाजी से। आप उस शख्स से कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भी नहीं। आपको पता है वो साईं का बंदा है। साईं? ठीक है, उसे हम बाद में देख लेंगे, लेकिन ये सब कुछ बहुत जरूरी है। देखिए अम्मा, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, हम सब आपके साथ हैं। मैं आपके साथ हूं। अब जाइए प्लीज आप। देखिए कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप प्लीज बैठे बैठे, प्लीज आप प्लीज बैठे। अम्मा कुछ नहीं होगा, आप फिक्र नहीं करें, मैं हूं ना, मैं आप लोगों के साथ हूं। इंतहा है।
मुझे टाइप कर देना और उसे मीनार के कागज सारे अखबार वालों को भेज देना ताकि कल के अखबार में इन तस्वीरों के साथ छप जाए। ठीक है, कोई खौफ खुदा नहीं है। बिल्कुल नहीं मैडम। मैडम बड़ा जबरदस्त केस है, इंटरनेशनल मीडिया पर यू एक्सेप्ट होगा। और हाँ, आपको पता है वो साईं का बंदा है। साईं का? जी हाँ। अच्छा, इन लोगों की साइकी भी अजीब होती है मैडम, साईं के अलावा किसी का खौफ नहीं होता। तो इसका मतलब है कि हमें साईं को डराना होगा। साईं को? मैडम की क्या कह रही हैं आप? देखो अंजब, एक बात याद रखो, जितने बड़े लोग होते हैं उतने बुजदिल होते हैं। अगर वो बुजदिल नहीं है तो उसको बुजदिल बनाना पड़ता है। हेलो जी मलिक साहब। छोड़ यार सुल्तान, अब इतना परेशान होने वाली भी कोई बात नहीं है। अब गैरत भी कोई चीज होती है यार। अब बाबू मसला ये नहीं है यार, दूसरा है। अच्छा, अब ये दूसरा मसला कौन सा आ गया? अरे ये जो कराची से लोग आ रहे हैं। ओहो, हाँ भाई कराची वाले लोग, अबे उनसे तुम्हें नुकसान पहुंच सकता है भाई। अगर मैं फसाद को जड़ से ही खत्म कर दूं तो? ओ खुदा का वास्ता भाई, ऐसा कर भी मत बैठना। ये जो टीवी अखबार वाले लोग होते हैं ना, ये किसी के पीछे पड़ जाए तो कब्र तक पीछा नहीं छोड़ते उसका। तो फिर मैं क्या करूं यार? तू काम कर, तू उसे यहां से गायब कर दे। क्या मतलब? मतलब ये कि तू जकिया बहन को किसी और शहर भेज दे जहां उनकी हवा भी ना पहुंच सके। तो मामला ठंडा हो जाएगा, वापस ले आना। अरे हाँ यार, कहता तो तू ठीक है, एक आइडिया है। अगर मैं इसे पागल खाने में जमा करा दूं तो? ये ठीक है। ये कॉपी जिस अखबार में गई है वो साईं का नाम देखकर साईं से इजाजत जरूर ले, और अब तक जी साईं, आपको हमारी याद कैसे आ गई? लेकिन अब तक तो सारी कॉपियां अखबारात में जा चुकी हैं। आप एक इशारा तो कर देते। नहीं नहीं, लेकिन सब लोग ये कह रहे हैं कि सुल्तान आपका बंदा है और इलेक्शन में आपके इलाके से बढ़ चढ़ कर वो हिस्सा ले रहा है, और ये जकिया का सगा भाई है, और इस केस पे पर्दा डालना तकरीबन नामुमकिन है। जी जी, आप ठीक कहते हैं, इलेक्शन की वजह से वो लोग इस केस को छाड़ेंगे तो जरूर, और मीडिया वाले जी मैं जरूर देखूं। जी हाँ जरूर, बस ओके। अब अपनी गर्दन फंसी है तो अंदाजा हो रहा है। यही तो यहाँ का सिस्टम है। वैसे औरतों की कैसे मैडम, ये सबसे मुनफरिद और अलग नौयत का केस है। रियली वेरी हॉट इश्यू। ये जाहिलों का माशा है, और अभी तक बहुत कुछ छुपा हुआ है इस मीडिया से। मामूली वाकयात भी गैर मामूली बन जाते हैं मैडम, बस बनाने वाला जहन चाहिए होता है। जकिया की फाइल लेके आना। ओके मैडम।
मां ये तुमने क्या अजाब खड़ा कर दिया है? क्या जरूरत थी इसे उन लोगों के सामने पेश करने की? तूने जो करना था कर लिया, अब जा यहां से, हमें अपना काम करने दे। तुम्हें अपनी इज्जत और गैरत का जरा पास नहीं? बकवास बंद कर। बढ़ाया गैरत और इज्जत वाला, मौत चुप हो जा वरना क्या करेगा, मारेगा मुझे? ये बिचारी तो मासूम थी, क्या कसूर था इसका? तेरी माँ ने तो तेरे बाप से कोर्ट में शादी की थी, मार बेगैरत। कुटिया और नालायक निकलेगा, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकती। मैं हूँ। है तू? मार मुझे, काट ले, काट। मैं तो बहुत पछताएगी, बता रहा हूँ तुझे मैं। जा, क्या बिगाड़ लेगा मेरा? नालायक, मौत आए मुझे। सब तुम्हारा कसूर है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। देख लिया नतीजा, उस बेचारी की जिंदगी बर्बाद कर दी है तुमने। पागल हो गई है उसकी, कहानियां छप रही है अखबारों में, बात दीवानी हो गई है उसकी। और इसमें मेरा क्या कसूर है साहब? मैं तो उससे प्यार करता था। प्यार? कालक मल दिया उसके मुंह पर तुम्हारे प्यार ने, की जिंदगी बर्बाद की है तुम्हारे प्यार ने। मैं उसकी मदद करना चाहता हूं। क्या कोई कसर रह गई है अभी? ये सब कुछ तो मुझसे क्यों कह रहे? प्यार करना कोई गुनाह है क्या? तो करो, क्या करोगे? क्या उस पागल लड़की को ठीक कर सकते हो तुम? उसकी हंसी वापस ला सकते हो? उसकी आंखों की चमक कहां गई? लौटाओ उसको। कोशिश कर सकता हूं मैं। मैं डॉक्टर बन गया हूं, मैं अपनी जिंदगी वक्त 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 कर दूंगा उसकी। मैं ठीक करूंगा उसको। साइन का तो यार मसला है यार। अब वो देख, उनका इलेक्शन ऑफिस उन्होंने वहां बनाया हुआ अपना। अबे इतने लड़के कहां से लगाऊं यार मैं? अबे तो काम तो यही है ना यार। अबे तो भाई लड़के भी तो चाहिए, नफरी भी तो चाहिए, अब कहां से लाऊं मैं? वो तो मेरे पे ही हर वक्त चीखते रहते हैं। अच्छा छोड़, ये बता तेरी माँ की तबीयत कैसी है? यार जब से ज़किया को पागल खाने में जमा कराया मेरे से बात ही नहीं करती। क्यों, उसे क्या हो गया भाई? वो समझती है कि सारा कुछ मेरी वजह से हुआ है। अच्छा, वैसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जो घर की औरतें होती है ना, इन्हें बाहर की बातों का पता ही नहीं होता। वैसे दादा एक बात बताओ, ये अपनी टेंशनों में तुम भाभी को तो नहीं भूल गए, किरण भाभी को? अबे वो भी मुझे ही कसूरवार समझती है यार। अबे भाई मैंने तुझे बताया ना, ये औरतें होती बेवकूफ हैं। अगर ये सारी बातें समझने लगे तो हमारे काम ना करने लगेंगे। मैडम अगर इलेक्शन ना हो तो साइन जैसा बंदा तो चोट गर्म लोहे पे ही लगनी चाहिए। मैडम ओमदानी साहब ज़किया की प्रेस रिलीज देना, उनसे कहो फाइल अभी तैयार नहीं है, मैंने खुद फोन करूंगी। मैडम साइन की क्रेडिट पे कई केसेस हैं, मसलन नगवा बराए तावान, कत्ल, रेप, निजी जेलें, झगड़ा फसाद और पता नहीं क्या क्या, लेकिन कभी कुछ साबित नहीं हुआ। हो भी नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि कोई साबित ही नहीं करना चाहता। लेकिन उसके आशीर्वाद में
ये केस उसे जरूर लेट होगा। तुम एक बात भूल रहे हो। क्या? सुल्तान साईं का ही बंदा है और ज़किया का भाई है। तो साईं के लिए सुल्तान की हैसियत ही क्या है? आपका मतलब है कि साईं सुल्तान को भी तुम ठीक समझे। सुल्तान जैसे तो और ही मिल सकते उसे। डोंट वरी, इन लोगों के लिए कभी मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब ये कि इन्हें अपने वजूद का एहसास दिलाए रखना चाहिए। 3 महीने हो गए, खाला जान बिस्तर से नहीं उठी और ज़किया उस बेचारी की हालत में भी कोई फर्क नहीं आया। सुल्तान ने उसे पिंजरों में कैद करा दिया है। सुल्तान खुद की तरह जेल में? क्यों? इलेक्शन में वो मुखालिफ उम्मीदवारों के कैंप में फायरिंग करते हुए पकड़ा गया था। लेकिन किरण, वो तो साईं का बंदा था ना? साईं का बंदा सिर्फ काम से पहले होता है। नारो बेटी, मैं ज़किया नहीं, किरण हूँ। क्या फर्क पड़ता है? सारी बेटियों के नसीब एक जैसे होते। हिना, मेरे कमरे में आना। आज मैं बहुत थक गई। जी मैडम, आपने बुलाया था? हाँ, वो ज़किया की सारी फाइलें रोक दो, उसे कहीं डिस्पैच नहीं करनी। ओके मैडम, वैसे उसके इलाज के लिए अब क्या फ़ायदा? जब उसके घर वाले नहीं चाहते तो हम ज़बरदस्ती किसी का इलाज नहीं करा सकते। आप ऐसा करें कि फाइलें मेरे ऑफिस में रखवा दें। ओके सर। मुझे हैरत हो रही है। क्यों? यही कि साईं जैसे आदमी से कुछ भाई नहीं है, अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकता है। हाँ, हेलो, हम लोग ये काम इंसानियत की खिदमत करने के लिए करते हैं। पर्सनली हमें किसी से अदावत नहीं है। थैंक यू। ये नूरा का केस का क्या हुआ? मैडम, नूरा की कल पेशी है। मैंने उसके मुखालिफ वकील से बात की थी। खामखा अग्रेसिव हो रहा था। उसकी बातों से लगता था कि वो शोहरत चाहता है। शोहरत के लिए इशू की जरूरत होती है। इशू बनाने पड़ते हैं, पड़े भी नहीं मिलते। हाँ, सच कह रही हैं। Thank you.
जकिया का केस पेचीदा है, मुमकिन है वो ठीक हो जाए या शायद कभी ठीक ना हो। क्यों डॉक्टर साहब, वो जिंदगी तरफ क्यों नहीं लौट सकती? उसे सिर्फ शॉक नहीं हुआ बल्कि सर पर शदीद ज़र्ब लगी है, शायद ठोकरों से मारा गया है। ये मोहब्बत बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, ज़िंदगी संवारती है तो कभी कभी बिगाड़ भी देती है। लेकिन डॉक्टर साहब, सकिया ने तो कभी किसी से मोहब्बत की ही नहीं। बहुत भोले हैं आप, उसके भाई ने ऐसे ही तो तशद्दुद नहीं किया उस पर। तशद्दुद करने का ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। जी हाँ, मगर किस किस को समझाएंगे? इस मुल्क में करोड़ों बहनों के करोड़ों भाई हैं, खुद तो दूसरों की बहनों से मोहब्बत करते हैं मगर अपनी बहन को मोहब्बत करने का हक नहीं देते। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ इस पागलखाने में एक भी पागल नहीं बल्कि बाहर की सारी दुनिया पागल है, और उनसे बचाने के लिए इन लोगों को चार दीवारी में कैद किया गया है। यहाँ कोई भाई जो झूठी गैरत के पागलपन में मुब्तला हो अंदर नहीं आ सकता। डॉक्टर साहब, क्या हम ज़किया से मिल सकते हैं? ज़रूर, मगर फीमेल वार्ड में जेंट्स अलाउड नहीं। ऐसा करते हैं कि ज़किया की मुलाकात आपसे यहीं पे करवा देते हैं, मैं नर्स को बुलाता हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब। वो है ज़किया। क्या तुम मुझे नहीं जानती हो, लेकिन आज जो तुम्हारी ये हालत है इसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। कितनी मासूम हो तुम, फूलों के जैसी नाजुक कोमल। उन जालिमों के बीच क्यों पैदा हो गई तुम? तुमने तो कुछ भी नहीं किया था, तुम बिल्कुल बेकसूर हो। लेकिन एक कसूर हुआ है तुमसे, तुम इस जहालत के दौर में क्यों पैदा हो? लड़की नहीं हो तुम, एक सितम हो जो खुद तुम पर ढाया गया। तुम किसी की बेटी भी नहीं हो, तुम एक दुख हो, अपनी मां की कोख से जरा हुआ एक दुख। किसी की बहन नहीं हो तुम एक अलमिया हो, सुल्तान जैसे भाइयों के पैरों तले रौंदे जाने वाला अलमिया।
से तो प्यार किया था। तुझे माफी भी नहीं मांग सकता। कभी खुशबू कभी झोंका कभी हवा सा लगे, जुदा होकर भी तू मुझसे जुड़ा जुड़ा सा लगे। कभी खुशबू कभी झोंका कभी हवा सा लगे, जुदा होकर भी तू मुझसे जुड़ा जुड़ा सा लगे। आज भी लम्स धड़कते हैं मेरे सीने में, आज भी तेरी खनकती सी सदा अब यूं भरा भरा सा लगे, जुदा होकर भी तू मुझसे जुड़ा जुड़ा सा लगे।